नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए व्लॉग में। और लास्ट टू लास्ट, जैसे कि लास्ट टू लास्ट वीडियो आपने देखा था, मैंने बताया भी था, नया लेंस लेने के बाद हम इंडिया के जितने नेशनल पार्क थे सभी को कवर करेंगे आने वाले कुछ महीनों में और सालों में। तो पूरी 29 या 28 जितनी भी स्टेट्स हैं, मेरी थोड़ी जीके वीक है, आई थिंक 29 है, तो उसमें जितने भी हर स्टेट में जितने नेशनल पार्क्स हैं तो सभी को कवर किया जाएगा और अच्छे अच्छे फोटोज, अच्छे अच्छे वीडियोज, अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको बना के दिखाए जाएंगे। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम हरियाणा से। हरियाणा में दो नेशनल पार्क है, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में और एक यमुनानगर में है, नाम नहीं मेरे को ध्यान है कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा से। जो पहला नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, अभी तो हम लेट हो गए हैं काफी, 12:30 बजे का टाइम हो गया है। सुबह सुबह जाने का फायदा होता है, तो कल सुबह जाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ गुड़गांव करण के पास, कल सुबह वहां से स्टार्ट करेंगे। और इस काम के साथ नेशनल पार्क को जो हम कवर करेंगे इंडिया के, एक और अच्छा काम हमने स्टार्ट किया है, वो आपको कल ही बताऊंगा मैं सुबह हमने क्या अच्छा काम स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो बने रहो, स्टे ट्यून इन दिस व्लॉग, कीप वॉचिंग। रीसेल में कोई दिक्कत नहीं, रीसेल में इट्स जस्ट लाइक कि आप नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। ले लो कैंडिड शॉट्स लिया कर तू। अच्छा, गणेशल आ बंदा कॉन्शियस जाता है, परफॉर्मेंस होगी ना डाउन। गणेशल आ नहीं दे रहा, तेरी आप है यू परफॉर्म भाई, पापा के जींस है उसने ना, शाना है उसने अपना ना वाईफाई बंद। नॉर्मल कॉल लगा ले, चिटी रोड बट्टा और डाउन आजकल। स्वागत है एक नई सुबह में। और एक चीज दिखा देते हैं आपको भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम सुबह सुबह 5 बजे निकलने वाले थे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के लिए, लेकिन ये हमारी बर्ड जो है ये उठ नहीं पाई, ठीक है, और इसको कर दिया गया डिले। अब मैं जाऊंगा पुणे रात की फ्लाइट से, तो जो नेशनल पार्क वाली सीरीज उसको आगे स्टार्ट करेंगे। लो भाई, नहा धोके रेडी। और भाई, जो अच्छा काम मैंने बोला था आपको शुरू में कि एक हम अब से अच्छा काम भी करेंगे, वो अच्छा काम ये है कि अब से डेली एक्सरसाइज किया करेंगे। तो आज भी मैं 5 बजे उठ के और 6-7 किलोमीटर अपना वॉकिंग जॉगिंग करके आया था। कभी कर लेते हैं, कभी छूट जाती है बीच में, तो अब की बार रेगुलर स्टार्ट करेंगे, तो ये रूल बना दिया है। तो करण जी के ना उठने के कारण वहाँ तो जा नहीं पाए हम। तो अगर ये पुणे से आने के बाद ये सीरीज वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स वाली है बिल्कुल दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अभी शाम को है फ्लाइट कुछ देर के बाद, और फिर पहुंचते हैं पुणे। करण जी, कैसी तबीयत आपकी? Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way. ये भी फायदा देखो डीजी यात्रा का, खाली काउंटर पड़ा है, और इधर देखो लाइन, वहाँ से सीधी एंट्री हो जाएगी, इस काउंटर से सीधी एंट्री है। Flight 2075, morning service to Mumbai.
flight to Mumbai with cover distance of approximately 1100 kilometers in 1 hour 50 minutes. So sit back, relax, and enjoy the flight. Thank you all for choosing IndiGo. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Welcome to Mumbai. तो भाई पहुंच गए हैं मुंबई और चेक इन कर लिया है होटल में ITC मराठा, बिल्कुल ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है, लाइक 200-300 मीटर। तो जाना तो था पुणे, तो थोड़ा सा प्लान में ट्विस्ट आ गया है जो हर बार आता है, कहीं ना कहीं जाते हैं तो एट ए टाइम। तो कल जाऊंगा मैं पुणे, आज रुकेंगे बॉम्बे में।
तो बॉम्बे में रुकने का एक रीज़न ये है, हमारी एक फ्रेंड हैं बिजनेस पार्टनर, वो आ रही हैं अमेरिका से, रात की उनकी फ़्लाइट है, तो उनको रिसीव करेंगे और फिर सुबह सुबह यहाँ से निकलेंगे पुणे के लिए, ठीक है। फिर एक हफ्ता रहेंगे पुणे, थोड़ा काम भी कर लेते हैं, ज़्यादा घुमाई फिराई में कुछ नहीं रखा, थोड़ा मीटिंग वीटिंग है मेरी काफ़ी, तो इस हफ्ते पूरा बिजी रहेंगे। और अभी आपको मुंबई आए हैं तो एक चीज़ दिखा देते हैं, अभी जा रहा हूँ मैं एप्पल बीकेसी स्टोर, जो एप्पल का नया रिटेल आउटलेट खुला है बॉम्बे में। तो ये जो रिटेल आउटलेट स्टोर खुला है, ये पहले बॉम्बे में खुला था, अब फिर दिल्ली में भी खुल चुका है, तो काफ़ी हैपनिंग जगह है, आपको दिखाते हैं। यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बाहर से कैब कर लेते हैं, 10-15 मिनट का रास्ता है, पहुंच जाएंगे, तो आपको पूरा स्टोर घुमा के दिखाएंगे, ठीक है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा एप्पल का बीकेसी स्टोर का पूरा फुल टूर देके, और अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप होकर निकलता हूं मैं यहां से, और फिर कल जाएंगे यहां से पुणे। तो बने रहो इस सीरीज में, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू। कैसा लगा व्लॉग, गिव इट थम्स अप इफ यू लाइक इट, टाटा बाय बाय, जय हिंद। और बीकेसी स्टोर जाने से पहले मैं आपको एक बार रूम भी दिखा देता हूं सारा, ये वरांडा, ठीक है, ये हॉल, होटल का टूर भी आपको कराएंगे थोड़ी देर के बाद। ये बताइए कि यहाँ से ये संडास, बाथटब, वॉश बेसिन, ये शावर एरिया, गाउन, टॉवल्स, ये कुछ एमिनिटीज हैं, शू बैग, शू पॉलिश, प्रेस करने के लिए बोर्ड, आयरन, कैबिनेट, मिनी बार, ये खुल नहीं रहा पता नहीं क्यों, लॉक है, राइस स्टेट तो है नहीं बॉम्बे फिर भी। ये कुछ पुरानी तस्वीरें, ठीक है ना, हिस्टोरिकल, और ये लाइट, ये रूम, ये टीवी, ये स्टडिंग डेस्क, और ये सोफा, ये कर्टेंस, और ये बाहर का व्यू, वो सामने देख रहे हो वो एयरपोर्ट है, ये वो जो वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, छतरी सी दिख रही है, वो सारा एयरपोर्ट है, तो बहुत पास में एयरपोर्ट की है, वॉकिंग 200-300 मीटर ही है बस, तो अभी निकलते हैं, ठीक है ना, और दिखाते हैं आपको मुंबई का बीकेसी स्टोर, केबीसी स्टोर और वटेवर।